नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी के महासंकट को थामने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है, लेकिन लोगों को अभी और सतर्क होना होगा। ऐसे में कुछ छूट दी जा रही है कल से, यानी कि 21 अप्रैल से बिहार सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे अपने आवास पर। वैसे वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आपको पता होगा बिहार में भी मामले बढ़े हैं। कल रात एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा जो है वो 86 हो गया है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसमें से 42 है। दो लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। कल यानी कि 21 अप्रैल से राज्य के जितने विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, वो सभी खुल जाएंगे, उनमें काम होगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। सभी जितने अधिकारी हैं वह अल्टरनेट डेज पर आएंगे। जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वही रोज़ आएंगे, और वो भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे। ऐसे में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। कल से काफ़ी सारे उद्योग जगत को भी छूट मिल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर आप कामों को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देश पर आर्थिक संकट ना आए, राज्य पर कोई बड़ा संकट ना आए आगे चलकर, इसको लेकर भी सोचना होगा। ऐसे में कुछ अहम बिंदुएं हैं जिन पर हम आप तक चर्चा कर रहे हैं, उन बिंदुओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे सबसे पहले सरकार की तरफ से फैसला निकल के आया कि बिहार के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्र के सभी उद्योग कल से खुलेंगे। इसका अर्थ यह है कि कुछ चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उद्योग जगत के जो महत्वपूर्ण काम है, उनको कल से शुरू किया जाएगा। जैसे कि मेडिकल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, मेडिकल सेवाएं हैं, आपको पता हो कई सारे निजी अस्पतालों ने अपने अस्पताल को बंद रखा है, लेकिन ये गलत बात है, वो भी कल से खोल सकेंगे। हालांकि हॉस्पिटल्स को बंद करने की बातें तो शुरू से थी ही नहीं, जिन्होंने बंद किया है उन्होंने गलत तो किया ही है, लेकिन वह मेडिकल जो गतिविधियां हैं उसकी शुरुआत कल से हो सकेगी। आप यदि आपके नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है या जांच केंद्र है वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। मतलब इन सब व्यवस्थाओं में कोई कमी कल से देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें एनएचआई की, तो एनएचआई ने भी तैयारी कर ली है। कल से राज्य की 17 सड़क परियोजनाओं का पर जो काम है वो कल से उसको शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन इसमें भी सतर्कता बरती जाएगी। रोड प्रोजेक्ट विशेषज्ञ मजदूर की सहायता ली जाएगी इस रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो विशेषज्ञ मजदूर हैं उन्हें घर से बुलाया जाएगा और उनसे काम लिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब हालात नाजुक हैं, तब सभी जो कंपनीज हैं वह अपने मजदूरों का, जिन्हें वो कल से बुलाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, कल से रजिस्ट्री के काम भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन निबंधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पहले ही आपको ऑनलाइन तरीके से समय लेना होगा। उसके बाद ही आप दस्तावेज का निबंधन कराने के लिए कल से दफ्तर को जा सकते हैं, जहाँ पर दस्तावेज के निबंधन होते हैं, रजिस्ट्री होती है, वहाँ पर आप कल से जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में ढील दी जा रही है। हम बताते हैं आपको, अगर हम देश की बात करें तो देश में 15,000 से अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। हालांकि 2,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके, 480 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, डाक सेवाएं हो, विद्युत सेवाएं हो, इन सभी पर कल से छूट रहेगी, लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि आपको सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है। इन सभी चीज़ों पर कल से पाबंदियां हटेंगी। सड़क परियोजनाओं पर कल से काम शुरू होगा, लेकिन ऐसे में सरकार ने बहुत सारे अहम निर्णय भी लिए हैं। कल रात को ही हमने वीडियोज़ के माध्यम से आपको यह भी बताया था कि बिहार सरकार ने यह कहा है कि आप यदि राशन केंद्र पर जाते हैं, जहाँ पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है आपको, वहाँ से यदि आपको राशन खराब मिल रहा है या सड़ा गला मिल रहा है, तो इसकी शिकायत करें, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। वहीं उन्होंने दूध पाउडर, जो कच्चा दूध पाउडर होता है, वो भी उपलब्ध कराने की बात की थी, ताकि लोगों के बीच में दूध की कमी ना हो, उनके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। इसको लेकर भी सरकार ने कड़े कदम उठाए थे। तो एक तरफ जहाँ बिहार में कुल 86 मामले अब तक निकल के आए हैं, वहीं बहुत सारी परियोजनाओं पर कल से काम शुरू होगा। सरकारी दफ्तरें भी कल से खुल जाएंगी, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप अपने घरों में ही रहें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले, क्योंकि सरकार इतना प्रयास कर रही है, हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है और हम उस लड़ाई के एक महत्वपूर्ण सैनिक हैं। हम खुद ऑफिस आ रहे हैं, क्योंकि आप तक हर ज़रूरी खबर को हम सबसे पहले पहुँचा सकें, और आपकी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि यदि आप बाहर निकलते हैं तो ये चेन के बारे में अगर हम बात करें, तो चेन
कहाँ से टूट रही है, कहाँ से बन रही है, इसको लेकर अभी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से 6240 रैपिड किट कल बिहार सरकार को मुहैया करा दिया गया है। इस किट से ये फायदा होगा कि 15 मिनट के अंदर ही ये पता चल जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित है या नहीं है। तो सरकार हर एहतियात कदम उठा रही है, आप अपने घरों में रहें, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण काम है, कुछ जो उद्योग हैं, वो कल से खुलेंगे और इस पर सख्ती भी रहेगी, नज़र भी रहेगी कि काम करना है, लेकिन जो लोग इसमें काम करेंगे, जिन लोगों से काम लिया जाएगा, उनकी सुरक्षा का ख्याल पूरी तरीके से रखा जाएगा। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, साफ सुथरे वातावरण को अपनाएं। धन्यवाद।